लेते हैं कि फर्स्ट पे हमने डुओ एक्शन क्लेंजर यूज़ किया ठीक था, है। उसके बाद हमने स्क्रब यूज़ किया था स्मूदिंग, थर्ड पे हमने अल्ट्रा ग्लो स्किन पॉलिश यूज़ की थी। स्किन पॉलिश के बारे में हम बात हाँ, कर रहे थे, बल्कि डॉक्टर साहब मुझे दिखाइएगा जरा, अगर हम इसको दिखाएं आप इधर आ जाओ तो स्किन पॉलिश आप नॉर्मली जब आप जाते हैं सलॉन्स में तो आपको फेशियल के साथ वो लोग ऑफर करते हैं कि जी स्किन पॉलिश भी करा लें, जिसमें मोस्टली क्या होता है मर्करी और अमोनिया होता है जो कि आपकी स्किन को पील करता है, उस वक्त आपको लगता है और आपके रुएं को जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि क्या कर दे गोल्डन कर देता है, तो आपको लगता है कि आप गोरे हो गए हैं, आपका रंग बेहतर हो गया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो उस आपको बहुत नुकसान भी पहुंचाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। निदा मैं चाहूंगी ये टेक्सचर थोड़ा सा आप भी चेक करें, ग्रैन्युलर है हल्का सा। अच्छा जी हाँ, और इसके ग्रैनुलर होने का पर्पस ही ये है कि जो क्लॉग पोर्स हैं जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि एक्नी आ जाती है, हाथों पे लगा लेते ना, मेरे हाथ बहुत टैन, हाथों को भी कर सकते हैं एक्सफोलिएट, अच्छा हाथों को जी ओपन पोर्स दूसरा भी दे दो, दूसरा साफ करने के लिए यूज, और क्या फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी अभी। हाँ मेरे हाथ इतने टैन हुए हैं, हाथ और पैर तो बहुत देर से सही होते हैं, और जब ट्रेवल करते हैं ना सबसे ज्यादा वही जी। डॉक्टर साहब फेस वॉश कर लेते हैं हाथ, और जो ये है इन पे हम सनब्लॉक अप्लाई नहीं करते, यही तो गड़बड़ हुई है सारी मेहनत हम फेस पे कर लेते हैं। वाकई वाकई, लेकिन देखिए ना अगर नजर देखें इसको तो ये बिल्कुल आपके हाथ जैसे पॉलिश होती है उस तरह की, आप मेरे हमने तो अपने हाथ पे ये देखे। अच्छा ये आपने जो बताया था स्टेप टू भी थोड़ा स्क्रब है तो स्टेप थ्री भी स्क्रब है, दोनों में क्या फर्क है? स्क्रब नहीं है निदा, डॉक्टर साहब आप स्टेप टू स्क्रब है और स्टेप थ्री जो है इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, स्टेप थ्री में असल में विटामिन B5 है जो पेंटोथेनिक एसिड हम कहते हैं, वो किस लिए होता वो एंटी एजिंग पर्पस के लिए भी होता है, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए भी होता है, तो ये इसके पर्पसेस हैं। और सेकंड में जो स्क्रबिंग थी वो एक्सफोलिएशन बेसिकली इसमें डेड स्किन रिमूव जी डेड स्किन को और न्यू स्किन रिजुविनेशन के लिए ज्यादा यूज होता है। अच्छा और फिर स्टेप फोर जो आपकी झाइयां हैं या ब्लेमिशेस हो जाते हैं आपके, मिलाजमा हो जाता है, किचन में आप काम करती हैं डायरेक्ट हीट लगती है, आप कहीं से आप अक्सर आपने खवातीन को देखा होगा कि नाक पे भी काली सी लेयर आ जाती है, ब्लैक हेड वाइट हेड ब्लैक हेड ज्यादा होते हैं, काली हो जाती है, लोअर फेस काला, तो ये सेकंड स्टेप जो है ये इसीलिए है कि वो उसको इवन टोन करे, जैसे आप इस फेस पे भी देख सकते हैं, आप बिफोर भी आपको दिखाया था, लेकिन ये तीन स्टेप हुए अभी डॉक्टर साहब जी तीन हुए ओके। अभी हम फोर्थ स्टेप पे आ रहे हैं, फोर्थ स्टेप में है फेशियल मसाजिंग क्रीम, तो आपका जो पॉइंट था कि दो बार हमने थोड़ी एक्सफोलिएशन की है तो अब हम उसको मॉइस्चराइज करेंगे ताकि वो स्किन थोड़ी सेटल हो जाए, जो रेडनेस आ रही है वो इस प्रोसीजर में सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है ठीक है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और मसाजिंग क्रीम, ये मतलब थोड़ी ऐसी होगी कि आप हाथों की मूवमेंट्स अच्छे से कर सकते जी इसके अंदर। तो मसाज आप कितनी दफा कर सकते हैं अपने इस तरह, जैसे ये फेशियल मसाज है खास ये तो? वाली फेशियल जो है आप वीकली रिपीट कर सकते हैं। अच्छा और इससे फायदा क्या होगा, आपकी मसल जो है वो रिलैक्स रहेंगे, मसल रिलैक्स रहेंगे, जो एंटी एजिंग पर्पस है वो भी ये सर्व करता है, और क्लेंजिंग जी क्लेंजिंग तो वो आपको करेगा ही जी। ये इसलिए कि इसमें ये वो गारंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके फेस को फेशियल स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ये आप वीकली कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 12-13 साल की बच्ची से स्टार्ट करके आप 100 साल की अम्मा तक के फेस पे ये कर सकते हैं। मैंने भी और धोया इसमें ये नहीं कोई है जेंडर नहीं है, हाँ देखो मैंने भी धोया नहीं है और मुझे बाकायदा नेकेड आई से मुझे खुद ये पता चल रहा है कि लाइक मेरा टैन उतर रहा है, मेरे मेरे वाकई पॉलिश हो रहा है हाथ। हाँ वाओ यार, और इसमें कोई मर्करी और अमोनिया नहीं है, आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं वही हैरान हो गई हूँ, वेरी नाइस। ये जो तो बड़ी परेशान हुई हुई थी, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों के जो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको रेडिएशन डर्मेटाइटिस होता है, ये उनके लिए भी सूटेबल है। अच्छा रेडिएशन डर्माटाइटिस यस बिल्कुल, और जो जिनकी फोटो सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, सन टैन हुआ हुआ होता है कि जैसे तुम्हारे हाथों पे अभी हुआ हुआ है, हाँ तो वो लोग भी ये फेशियल किट यूज कर सकते हैं। अच्छा और ये फेशियल किट ऐसी है कि इसमें आप देखिए, एक आप जाते हैं सैलून में तो कम से कम आप बहुत ही हुआ तो 2,500, 3,000, 4,000, कुछ बेहतर सैलून में जाएंगे तो 5,000-6,000
तक का फेशियल होता है हाँ। और ये एक किट जो है और एक दफा होगा हाँ। इस एक किट में आपको 5 से 6 फेशियल्स मिल जाते हैं। तो अगर ये एक किट आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें घर में जितनी खवातीन है आपकी फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स मिलके भी कर सकती हैं। लेकिन ये अगर आप हफ्ते में कर रहे हैं तो आप 6 फेशियल करें यानी 6 वीक्स आपको लगेंगे एंड आई एम श्योर दैट यू विल सी एंड यू विल फील द डिफरेंस। ओह ग्रेट ग्रेट। ये चौथा स्टेप था हमारा मसाजिंग, जो फेशियल मसाजिंग, इसके अंदर फैटी एसिड डेरिवेटिव्स भी हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखते हैं। अच्छा। और मिनरल ऑयल्स जो ऑर्गेनिक चीज। अच्छा, अब स्टेप 5 क्या है हमारा? यहाँ निदा हम जरूर बताना चाहेंगे, लड़कियां जो कहती है ना जो एक्नी के जिनके दाग होते हैं या स्टार्स होते हैं और एक्नी हो भी रही होती है कि नहीं नहीं हम तो ऑलरेडी इतनी चिकनी स्किन है हम मॉइस्चराइजर नहीं यूज करेंगे हाँ। जैसे कि मसाजिंग क्रीम है नहीं यूज करेंगे, उसका क्या नुकसान हो सकता है? डॉक्टर साहब प्लीज बताएं, क्या एक्नी वालों को मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक्नी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स आते हैं, उनको वो यूज करने चाहिए। ओके। क्योंकि कुछ ऐसी वाटर बेस्ड कहते हैं ना डॉक्टर साहब, वाटर बेस्ड होते हैं, कुछ जेल बेस्ड होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है किसी में, तो डिफरेंट उनकी वैरायटी ऑफ वो है जो हम स्किन देख के फिर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, क्योंकि मेरे बहुत एक्नी होती थी तो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था कि आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे यही गलतफहमी मुझे हो गई थी और मैं मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती थी, मुझे इतनी इचिंग होती थी स्किन हाँ, पे कि मैं क्या करूं, कैसे वो दूर करूं? उसी से बचने के लिए कि आपने कोई भी चीज लगाई, आप फेस वॉश भी लगा रहे हैं इचिंग होती है, कोई चीज भी लगा रहे हैं, मेकअप की चीज लगानी आपने शुरू की आपको खारिश होनी शुरू हो गई है, आपको एक मिर्ची सी लग रही है, वो रीजन यही होती है कि आपकी स्किन इनफ मॉइस्चराइज नहीं होती, उसके पास वो गजा वो पानी नहीं होता जो उसको सपल नाजुक और सॉफ्ट रख सके। तो ये जो चौथा स्टेप है ये ऐसे इसीलिए है कि आपका अपनी स्किन का मॉइस्चर रिटेन भी रहेगा और स्मूथ करेगी आपकी स्किन। यस ओके। अब स्टेप नंबर फाइव पे है ब्राइटनिंग पाउडर मास्क, ये हम लास्ट में एप्लीकेशन करेंगे, ये थोड़ा पाउडरी सा है तो हम इसको पहले पानी से डाइल्यूट करके फिर एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये मास्क के सिलसिले पे आ गए हाँ। अब ये पाउडर है, जब भी हमें इसे इस्तेमाल करना है एक अलग छोटे से प्याले में, आपको फील हो रहा है कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा है, ड्राइनेस मेरे हाथ में भी एकदम आज सुबह अच्छा फील हो रहा है तो लगा लो। अच्छा, ये मास्क जो है पाउडर इसमें मिक्स करेंगे पाउडर पानी में, नॉर्मल वाटर में आप कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारी वो ग्लैम अप किट या ग्लैम अप नहीं सॉरी नो मेकअप मेकअप किट है तो हमारा टोनर मौजूद होगा, उसमें भी कर सकते हैं। इवन जो इसका अपना टोनर है वो भी आप इसके साथ भी ये यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसका अपना टोनर है, इसके साथ भी आप बेटा यूज करें, ये रहा सॉरी मैंने ले लिया, टोनर के साथ ही मिक्स कर लें। तो ये 6 स्टेप्स हैं और ये 30 मिनट्स में हर स्टेप को अगर आप कैलकुलेट कर लें कि 5-5 मिनट देने हैं, पहले आप खुद कर लें, अपनी बेटी को करके दिखा सकते हैं और ये हमने स्क्रीन पे तो दिखाई दिया है कि कैसे हो जाएगा। सो वो कुल प्रॉब्ली 25-30 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट 6 स्टेप्स को। अब पूरा का पूरा फेशियल हो गया, डेली क्लेंजिंग करें, दिखा दो इसके बाद एक हफ्ते में एक दफा आप जो है वो फेशियल किट इस्तेमाल करें तो फिर आपकी स्किन शाइस्ता जैसी हो सकती है। Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.